मुझे वेट कर और पार्सल देने के बाद एसटी एरिया साइड 4 का और कटरा के कटरा इंडस्ट्री एरिया ही है। किस्मत की बात क्या अच्छा है कुछ देखो कि हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, ऑर्डर 1-2 घंटे हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे से बात रात कर वही बात कर रहे जाते हो, आपकी क्या राय है? कोई तो ये है कि लाभ नहीं है तो फिर कंपनी कथा हो ऐसे भी किट वालों को भी 10 सेकंड लगे। एक ही बार तो ढांडलीबाजी हो रही है ना। हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज दिन हमारा और आपका सोमवार का निकल लिया है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। मतलब एक पार्सल ले लिया है, ये विष्णु गार्डन का ही है, ठीक है, और 147 के करीब है। जो पार्सल स्क्रीनशॉट लगा वो पीवीसी नहीं होते, जो मदरबोर्ड टाइप के होते हैं वही है, सैंपल लेके जाना है। यार बहुत दिक्कतें हो रही है, पता नहीं क्यों यार 3 घंटे बाद एक ऑर्डर मिला। बताओ, ऑन किए हुए मुझे 11 बजे करीब हो गया था और 2 बजे करीब मुझे ऑर्डर मिला है। आधा रास्ता मैंने क्लियर कर चुका हूँ और आधा बचा है। चलो मैं सोचा अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बट यार बहुत दिक्कतें हो रही है, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो रही है। ऑर्डरों में बची नहीं रही भाई, फोटो में तो और बच रही है तो 10 सेकंड वाले माशा अल्लाह, जो किस्मत अनुसार जो कहते हैं ना, किस्मत में जो मिलना है वो मिलते रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है तो यही रह गया हमारे लिए, बच गया एक पार्सल तो अभी हम निकले हैं। अब इसको ड्रॉप करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं कि कितना अमाउंट मिलता है हमें, ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई। A few moments later. तो दोस्तों मुझे वेट करने का मौका ही नहीं मिला, मैंने जैसे ही पार्सल दिया और पार्सल देने के बाद ट्रिप एंड की, वैसे ही बच गया साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया साइड 4 का ऑर्डर पोर्टर में 336 रुपए का। मैंने कहा फटाक से उसको क्लिक करता रहा। अच्छा हुआ कोई किट वाला बंदा नहीं था, नहीं तो भाई व्यर्थ हो जाता, क्योंकि मुश्किल ही होता है वो भी इंडस्ट्री है, एक वो टाइप का इंडस्ट्री एरिया ही है चाला भी, बट किस्मत की बात है मिल गया अच्छा है, कुछ नहीं है ज्यादा पार्सल। देखो ये पार्सल है, ये लेके जाना 29 किलोमीटर दूर है। चलो इसको फटाफट ड्रॉप करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, ऑर्डर वैसे भी लेट मिला हमें, तो कोशिश करेंगे कम टाइम में थोड़ी अर्निंग ज्यादा करने की, ठीक है। A few moments later. तो दोस्तों हमारा दूसरा पार्सल होता है डन, ठीक है, और अभी जो टाइम हो रहा है 4:20 हो रहा है और टाइम डिलीवरी तो 4:05 का ही हो गया था, 15 मिनट इधर उधर करने में लग गए, और हमें जो मिला है 336 का मिला है 269 रुपए, ठीक है। और एक और खास खबर है यंका डिलीवरी में, अब एक राइडर भाई एक बार में सिर्फ 2 ही पार्सल ले सकते हैं, पहले कई ले लेते थे, 2-3 ले लेते थे, बट अब 2 ही अलाउ किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, मैसेज दिखा दूंगा, नोटिफिकेशन आया मेरे पास कि आप एक बार में सिर्फ 2 ही पार्सल अलाउ कर सकते हो, से ज्यादा नहीं ले सकते। मैंने सोचा ले ही क्यों, देखो भाई तुम्हारे भाई का स्कूल है, अंकल दिल्ली में दिल्ली पार्सल खाता ही नहीं क्योंकि उसका रेट बहुत कम है। एक बारी बाई चांस मैंने उठाया था गलती से, जब मैंने स्टार्ट ही किया था तब उठाया था और वो मिला था मुझे 400 कुछ रुपए का, मगर सामने गाजियाबाद मतलब गुड़गावा से सीधा गाजियाबाद आया था मैं, इसलिए मुझे पता नहीं था इतना कुछ, बट उस टाइम का वो पहला ऑर्डर था और आखिरी ऑर्डर था। मेन चीज है कि हमने ही अंकल डिलीवरी के भाव बढ़वा, जो ऑर्डर वो आते हैं और हम फट से गायब कर देते हैं, ऑर्डर वो आते हैं वो फट से गायब करते हैं, तो वो हमें गर्ज पड़ रहा है, मतलब कि हम 5 रुपए किलोमीटर पे भी हम ऐसे लड़ रहे हैं जैसे आपको इतनी अच्छी कंपनी पोर्टर जो है आपको मरे से मरा नहीं, 7 रुपए किलोमीटर तो कहीं नहीं देती है, ठीक है, कितनी भी दूर भी जाओ और पास में रहो तो आपको 30 किलोमीटर के रेंज में तो 8 रुपए 9 रुपए 10-10 रुपए तक मिल जाते हैं, यहाँ तक कि 11-11-25 रुपए तक की 15 रुपए तक के किलोमीटर मिल जाते हैं। आप इतनी अच्छी वाली कंपनी को छोड़ के ये अंकल डिलीवरी का उठाते हैं, यार उठाना तो ये कहते हैं अच्छी बात है, मगर ये उठाओ कि लास्ट टाइम पे और कहीं नहीं बजे तो उठा, आप खाना बंद कर दो, अंकल डिलीवरी देखो कैसे रेट अपने आप भी बढ़ाता है। यार हम बढ़ाएंगे, हमसे कंपनियां हैं, कंपनी से हम नहीं होंगे तो कंपनियां कहां से चलेगी, डिलीवरी कहां से करवाएंगे, यार हम ही जब आपस में लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह तो उससे फायदा नहीं है ना। मेरा तो सजेशन ये है कि देखो मैं तो पोर्टर का ही साथ दूंगा, क्योंकि पोर्टर जो है पार्सल लिमिट में भी होता है और अगर एक्स्ट्रा ओवर होता है तो हम कस्टमर से बात भी करते हैं, साइज का बात कर सकते हैं, मगर अब ना इसमें आप अंकल डिलीवरी में अगर कोई आप आगे बढ़ गए तो ना उसमें मल्टीपे पॉइंट एक्टिव है, ठीक है,
ना कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज का है, कहीं दूर दूर निकल गया तो कम से कम एटलीस्ट पोर्टल में तो ये तो है कि लोकेशन चेंज होता है तो आप उसको मल्टीपे पॉइंट करके अपना किराया भाड़ा बढ़ा सकते हो, इसमें ये तो है। मगर अंकल डिलीवरी में क्या है, कुछ भी नहीं है, आपने उठाया कंज्यूमर कैंसिल किया नहीं किया कोई पता नहीं है, कस्टमर केयर का भी कोई पता नहीं है। एटलीस्ट कम से कम पोर्टल में ये तो है कि आप फोन करोगे कस्टमर केयर आपकी सहायता तो करता है ना। मैं खुद कई बार देखा हूँ, मैंने कॉल किए हैं भाई नहीं हो रहा खत्म कहानी, कस्टमर साथ तो दे रहा है, अंकल डिलीवरी का क्या पता है। अभी मेरे एक मैसेज आया था, उसमें आया था दो तीन से एक भाई का जो है ना अंकल डिलीवरी में पेंडिंग पड़ा हुआ ऑर्डर, कस्टमर कह रहा मैंने कैंसिल कर दिया, वो कह रहा है कि कैंसिल हुआ नहीं। अब बताओ वो कस्टमर केयर पे बात ही नहीं हो पा रही तो क्या कैंसिल करवाएगा बंदा, दूसरा ऑर्डर तो ले नहीं सकता। यही है बस, इसी को मैं कहना चाहूंगा कि देखो आप लोग जो है ना, हम लोग जैसे हैं, हम लोग ही कंपनी को उत्साह दे रहे हैं। आप अंकल में ना ऑर्डर काम मारना सीखो, अंकल में जो है ऑर्डर है ना कम मारना सीखो, मारो मगर एक तरीके से मारो, क्योंकि जब फंस रहे हो तो मारो। अगर आप ऐसे बैक टू बैक मारोगे तो कंपनी के तो भाव बढ़ेंगे, वो कहेंगे आप तो अगली बार हम 4 रुपए किलोमीटर देंगे, हमारा पार्सल तब भी उठेगा। और देखो कस्टमर भी यही, देखो कस्टमर का भी यही उसूल होता है, कंपनी हम अगर हम 10 ऐप चलाते हैं ना तो कस्टमर भी 5-6 ऐप तो चलाता होगा पार्सल का, हर किसी में चेक करता होगा कि भाई इसमें कितना रेट है, इसमें कितना रेट है। कस्टमर कहाँ भागेगा कम प्राइस पे ना, हम क्यों कर रहे हैं बेवकूफी। हम वो सीधी सी बात है कि अगर कस्टमर को कम प्राइस दिखेगा तो वो अंकल डिलीवरी पर आपका पार्सल डालेगा, आपका अंकल डिलीवरी 5 रुपए उठा लोगे, और वही पोर्टर अगर आपको 9-10 रुपए में देगा तो वो आप वो नहीं उठाओगे। बट वही बात है ना कि जब कस्टमर भी तो देखेगा मुझे कुछ ना फायदा हो रहा है, भाई कस्टमर भी किसी का दगा तो नहीं है ना, कस्टमर भी तो फायदा देखेगा कि भाई मुझे जिसमें कम रेट हो रहा है मैं उसमें पार्सल डिलीवरी करवाऊंगा, सीधी सी बात है। तो यही चीज है, मैं यही बताना चाहूंगा। बाकी अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो उसके लिए मैं थोड़ी चाहूंगा, बाकी अपना अपना कहते हैं ना वो होता है राय, वो मैंने राय दिया तो इस वजह से। बाकी अब मैं यहाँ वेट करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से मिलता है तो ठीक है, यहाँ से आपको घर का जो मीटर है 100 किलोमीटर है, पर देखते हैं कि आगे किसमें रूम मिलता है, पार्सल मिलता है या फिर राइड में मिलता है, ठीक है, कोई होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों 500 बच्चे हैं और उम्मीद नहीं है मुझे यहाँ पे, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद भी बताओ यार कुछ बजे नहीं डालो, आगे बढ़ते हैं, आगे कोई अपडेटिंग होगी तो मैं आपको बताता हूँ। 1 hour later. आज दोस्तों तो अभी हो चुका है 6 बज चुके हैं और मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, और 2 घंटे के बावजूद भी मुझे कोई ऑर्डर नहीं, मेरे रूट का तो बिल्कुल नहीं मिला, मिला है तो वो ग्रेटर नोएडा ये आपका उल्टे उल्टे रूट बजे, और मैं इस टाइम में ग्रेटर नोएडा जाऊंगा तो आऊंगा कब भाई। तो हमारे एक नजदीक हम खड़े थे, हम बैठे हुए थे तो हमारे पोटर भाई मिले हैं, आपका शुभ नाम सोनू जी हैं, हम इनके साथ अभी वार्तालाप कर ही रहे थे, कम से कम 1-2 घंटे हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि 1 घंटा मुझे वहाँ बैठे हुए थे, फिर 1 घंटे इनसे वार्तालाप करते हुए वही बात कर रहे थे कि किट का क्या फायदा है, किट का क्या नहीं फायदा है। तो यही कह रहे थे कि देखो भाई जी किट का तो कोई फायदा नहीं है, वही सेम है जो नसीब का है, वो ऑर्डर वो मिलना ही मिलना है। बाकी आप बाप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या राय है पोर्टर पर, देखो आपके वीडियो से कंपनी भी कोई देख रहा होगा जो इसको समझेगा, आप कुछ कहना चाहते हो बता दो। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि किट मैंने जब से ली है मतलब कोई मतलब लाभ नहीं है। अच्छा लाभ नहीं मिला? हाँ ऐसा कोई लाभ नहीं, कंपनी कह रही है सेकंड जो है मतलब आप लोगों को भी लग रही है और मेरे को भी लग रही है, आप भी लग रही है। बताओ ऐसे भी हाल होंगे, बताओ अगर किट लेने वालों को भी 10 सेकंड लगेगा और बिना किट वालों को भी 10 सेकंड लगेगा तो फिर ये तो कंपनी क्या फायदा हुआ, 500 रुपए वॉलेट से काट लिए एक ही बार में, क्या फायदा हुआ किट लेने का ये तो। अब बताओ इससे क्या होगा, ये कंपनी क्या कर रही है, मतलब कुछ तो ढांडलीबाजी हो रही है ना, मतलब यही है कि पोर्टर की आर में पार्सल की आर में अपना गारमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जिसमें आपका ये टी शर्ट वगैरह मिलेगा जी बिल्कुल, और कुछ टाइम बाद आपको फिर जैकेट का भी दिया जाएगा। तो अपना जो है प्रचार करना चाह रहे हैं, अपना जो है मतलब प्रचार करवाना चाह रही है सड़कों पर, तो इसलिए प्रचार फोर व्हीलर अब ज्यादा एक्टिवेट हो रही है इसमें बड़ी वाली, बिल्कुल हम जैसे भाइयों की वजह से ही एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि हमने ये जो पहन रहे हैं नाम का दिख रहा है सबको। बिल्कुल 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 भाई देखो ये भी हो सकता है कि अगर इनको प्रचार करना है तो पोर्टर भाइयों को 2 टी शर्ट ये गिफ्ट में भी दे सकते थे, भी दे सकते थे, जरूरी नहीं है कि आपको 499 का ये लालच देके कि आपको 10 सेकंड पहले ऑर्डर मिलेगा। तो ये सब वगैरह हम बातें कर रहे थे और अंकल डिलीवरी की भी बातें कर रहे थे, भाई जी कह रहे थे कि मैं अंकल डिलीवरी नहीं करता हूं क्योंकि उनका रेट ही मुझे समझ नहीं आता, अगर हमारी पोर्टर कंपनी साथ देना तो अंकल डिलीवरी कुछ नहीं है, मरे से मरे भी हमको 7 रुपए किलोमीटर मिलता ही है, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था। तो यही चीज है, ठीक है, बाकी हम भाई वेट कर रहे हैं, अगर हमें मिलता है कोई तो मैं अपडेट करता हूँ आपको, ठीक है। तो ठीक है,
A few moments later. तो हाँ जी दोस्तों 6:55 हो चुके हैं और अभी तक मुझे कोई पार्सल ना राइड मिला है। पार्सल तो मिल रहे हैं मगर ग्रेटर नोएडा इस टाइम कहाँ से जाऊंगा मैं। टोल्टी वाली बात हुई, उस भाई को ड्रॉप कर दिया है, वो भाई छात्रा में रहते थे और हम छात्रा में, उनको ड्रॉप करके हम आगे निकल गए हैं। देखो आगे बसता है कि नहीं बसता, मेरे तो कंफर्म नहीं। आज तो नसीबी खोटी है, दो राइड तो एकदम फटाफट से मिले मगर जहाँ दूसरी राइड ने जाके जहाँ जाके मुझे पटका तो वहाँ तो समझ लो कुछ मिला ही नहीं। वहाँ से धीरे 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 5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, ठीक है 36-35 किलोमीटर था, अब 29 किलोमीटर बचा है। अब देखो यहाँ से 29 किलोमीटर तो अब मुश्किल है क्योंकि यहाँ कम बहुत कम चांस है और घर जाते जाते मुझे 8 बज जाएंगे, 8:30 हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहे वीडियो के साथ, अगर कोई अपडेटिंग होती है तो मैं बताता हूँ। आजकल का दिन है ना खराब छिपा, 100 पार्सल भी लेट ही मिला करीब 2 के करीब और जो बैक टू बैक बजी भी, तो किस्मत सोचा यार चलो 1000 रुपये तो कर ही लेंगे बट हुआ नहीं चांस, ऐसी आगे देखते हैं क्या होता है, अगर कोई अपडेटिंग हो तो बताता हूँ मैं आपको। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों मैं घर को आ गया हूँ। आज का दिन तो बहुत ही बुरा रहा, बहुत ही बुरा, सबसे ज्यादा बुरा आज का दिन ही रहा कि इतने टाइम करने के बावजूद भी, 8 घंटे बिताने के बावजूद भी इतना खास इनकम नहीं हो पाया। अब क्या कहते हैं ना कि कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो आज का मैं टोटल इनकम बताना चाहूँगा, कितने घंटे मैंने बाइक चलाई है, कितना पेट्रोल लगा, कितनी इनकम हुई है, ठीक है, और कितने पार्सल डिलीवरी किए। तो टोटल जो पार्सल डिलीवरी सिर्फ 2 ही की है और पहला जो पार्सल मुझे मिला था वो 2:10 पे और मैं घर आ गया हूँ और 8:30 करीब मैं घर पे आ गया था। तो अराउंड वही है कि आपका 6 घंटे मैंने काम किए और 6 घंटे में जो मेरी इनकम हुई है आपको बताना चाहूंगा। इसमें तो 8 घंटे दिखाएगा क्योंकि मैं सुबह से लॉगिंग था, इस वजह से दिखाएगा 11 बजे से। तो जो अर्निंग है मेरी 387 रुपये का पोर्टल में था, जिसमें मैं अपना जो पेट्रोल मानता हूँ 150 रुपये का, क्योंकि मान लो यहाँ से मैं 36 किलोमीटर आया हूँ तो, और वहाँ से 36 किलोमीटर के 38 किलोमीटर हो चुका है, तो 70-75 के करीब हो चुका है, तो 150 रुपये मानता हूँ, ठीक है। और यही थी अर्निंग आज की, आज ज्यादा खास नहीं रहा। आज 6 घंटे में सिर्फ 237 रुपये हुए हैं पेट्रोल निकाल के, यही था आज की अर्निंग। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।